राधे राधे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के दोष होते हैं जो उन्हें घेरे रहते हैं, जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी, जिसके कारण हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। जब हमारी कुंडली में यदि किसी प्रकार का कोई दोष आता है, इससे कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और यदि समय रहते इनका उपाय ना किया जाए तो ये और बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। हम बहुत सारे दोषों के बारे में सुनते हैं, जिसमें से एक दोष है काल सर्प दोष। ये एक शापित दोष माना जाता है। इस दोष से व्यक्ति के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक आर्थिक तौर पर कई तरह की समस्याओं से वो परेशान रहता है। आज की इस वीडियो में हम इसी दोष के बारे में जानेंगे कि क्या है इस दोष में और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए आखिरी तक ध्यान से देखना। क्या होता है ये काल सर्प दोष? शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं, तो तब उस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसका आपकी कुंडली पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये दोष सभी दोषों में एक सबसे अशुभ दोष माना जाता है। ये एक बहुत खतरनाक दोष होता है, जिसका प्रभाव आपको अमीर से कब रोड पर ला दे आपको पता ही नहीं चलता। इस दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर शारीरिक मानसिक आर्थिक स्तर पर कष्ट देता है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की समस्याएं देखनी पड़ती हैं। काल सर्प दोष के फायदे। यदि कुछ दोषों के कारण व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, हानि होती है, तो वहीं कुछ जगह इनकी वजह से व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। राहु केतु का साथ होना न केवल समस्याओं को बुलाता है, बल्कि इनके प्रभाव से आपके जीवन में शुभता का भी वास होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के जीवन में ये दोष लगता है तो वो चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। उस समय ये स्वयं को साहस दे, पुनः प्रयास करना सिखाता है। ये दोष व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है। वो हर परिस्थिति में स्वयं के साथ खड़े रहते हैं और सदैव सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। काल सर्प दोष के नुकसान। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें हर चीज में कई तरह की समस्याओं को देखना पड़ता है, कई तरह के जीवन में संघर्षों को देखना पड़ता है। उन्हें कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में भी कई तरह की बाधाओं को सहना पड़ता है, दुख देखना पड़ता है। वो जिस काम के लिए जाते हैं वो काम बिगड़ जाता है या उसमें अड़चन आने लगती है, जिसके कारण वो सफल नहीं होता। इसी दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। व्यक्ति को उसके जीवन में शिक्षा स्तर पर, नौकरी के स्तर पर हर तरह की बाधा को देखने को मिलती है। इसके साथ ही काल सर्प दोष के कारण जातक संतान से संबंधित कष्ट को भी सहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये दोष बहुत खतरनाक होता है। इसको दूर करने के उपाय बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को लाभ मिल सके। पहला उपाय है, काल सर्प दोष को खत्म करने के लिए, उसके दोष के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में हर सोमवार को भगवान शिवजी की पूजा करनी चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार इस दोष से परेशान व्यक्ति को शिवजी की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में सुख शांति आती है। दूसरा, सोमवार का दिन पूर्ण रूप से भगवान शिवजी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पूजा करके आप अपने ग्रह के दोष को कम कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, जलाभिषेक करें और भगवान शिव की प्रिय चीजों को चढ़ाएं। उनके मंत्रों का, जैसे ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें। इससे आपके दोष का प्रभाव कम होने लगेगा। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सोमवार के दिन शिवजी को जल चढ़ाने के बाद मिट्टी के 1,25,000 महादेव बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति को बहुत जल्द ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। चौथा, शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष वाला व्यक्ति कई तरह की पीड़ादायक कष्टों को सहता रहता है, लेकिन जिन लोगों से राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें सारे सुख बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं काल सर्प दोष उनको कष्ट नहीं पहुंचा पाता। पांचवा, काल सर्प दोष से ना केवल व्यक्ति दुख भोगता है बल्कि उनका जीवन भी चमक जाता है। जी हाँ, बहुत से लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष का दिखना शुभ होता है। यदि राहु केतु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव देता है तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति समस्त कठिनाइयों के बाद भी करोड़पति बन जाता है, लेकिन यदि ग्रह अशुभ है तो व्यक्ति करोड़पति से रोड़पति भी बन सकता है, किंतु ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। किंतु ये भी सत्य है कि इस दोष का सकारात्मक प्रभाव भी है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।